शुरुआत करते हैं आज अपने दिन की बब्बा के साथ। और आज है दिन 11वां, वही असल करेंगे, वही फसल रहेगी। और आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे अपन लोग सब चीज़ें कर चुके हैं। मंदिर का जितना भी मेरा पाठ वगैरह सब करना था सब मैंने कर लिया है। मंदिर मैंने आपको भी दिखा दिया है, यहाँ पे दर्शन कर लो जल्दी से बप्पा के। अभी मैं आपको बप्पा भी दिखा देता हूँ। और अब अपन निकल जाते हैं यहाँ से अपने जिम की ओर। और ये मैंने कर दिया, देखो अब आ चुका हूँ यहाँ पे। अब लठ ढूंढने में थोड़ा सा मुझे लग गया समय, अब मैंने लठ ढूंढ लिया है, अब मैं आ गया हूँ मैदान में। अब भाई वो जो डायलॉग नहीं होता गाड़ियों पे लिखा रहता है क्या, क्यों डरे हैं लठ डरे हैं, तो वाली सिचुएशन है भैया। लठ है अपने पास, ये अपने लठ के थ्रू करा वार्म अप। और आप देख ही सकते हो यार, एनर्जी आज भरपूर थी। भले ही कुछ घर से खा के नहीं आया था, सुबह एल कार्नाटीन पी लिया था, और जो भी हो भाई आज एनर्जी भरपूर है। आज अपना चेस्ट डे है, चेस्ट डे के दिन तो भाई एनर्जी आप में भरपूर रहनी चाहिए। नहीं रहती है तो रख लो भाई, सेव करके रख लो एनर्जी कहीं ना कहीं, क्योंकि आज के दिन एनर्जी ज़रूर होनी चाहिए। चेस्ट डे है भाई, छाती छाती बनाएंगे आज अपन। और ये छाती से पहले मैं अपन बता दूँ, मैं आपको शोल्डर का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है बॉडी को सुबह सुबह, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी खुलेगी नहीं, जिस तरह जैसे अपन बुलेट बुलेट गाड़ी बुलेट होती है, जब तक गर्म नहीं हो जाए तब तक उसको चलाने में मज़ा नहीं आता यार। वैसे ही जब तक बॉडी गर्म नहीं हो जाए उसको तड़पाने में भी मज़ा नहीं आता, मतलब भाई किसी और को तड़पाने में नहीं, मतलब भाई, भाई मतलब गलत चले गया यार मैं, यार रुको। तो बॉडी भाई वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि क्या थोड़ी सी बॉडी अच्छी, अच्छा पंप भी आएगा बॉडी के अंदर। जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे उतना अच्छा मसल पे टेंशन आएगा और उतनी अच्छी मसल ग्रोथ होगी। आप देख ही चुके हो कि मेरा लाइक लीन मसल्स तो है ही, पर अब अपन इस साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। यहाँ पे आप साइज़ बढ़ते हुए भी देखोगे, आप चेंज होता हुआ भी देखोगे मेरा साइज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना वार्म अप जो है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुका है। जब भी मैंने लठ साइड में लेकर आता हूँ मतलब वार्म अप मेरा हो गया है। और ये मैंने रख दिया लठ उसकी जगह पे, और अब अपन आगे बढ़ते हैं अपने चेस्ट वर्कआउट की ओर। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आज भी अपन हैवी वर्कआउट करेंगे, हैवी वेट्स लो रैप्स। तो अपन शुरुआत करते हैं 25 किलो से भाई, 25 किलो दोनों साइड 25-25 किलो रहेगा। और आप देखिए कितनी रैप्स आती हैं, रैप्स तो खैर अच्छी ही आएंगी यार, मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा है, आप खुद देख सकते हो मेरी आंखों में। ये देखो तड़ सो डाली अपन ने 25-25 किलो, ये फटाफट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अरे वो तो यार 15 ही जाने हैं, पर मैं आपको बता दूं कि आप वर्कआउट देखो यार, वर्कआउट देखो। आपको लगता नहीं होगा मेरी बॉडी को देख के कि यार इतना वेट भी उठा पाता हूँ, पर मैं उठा लेता हूँ यार। शक्ल देख के नहीं पता चलता इंसान के अंदर कितनी कैपेसिटीज़ है, पर ठीक है। ये भाई भी बहुत अच्छा जिम कर रहा है भाई, 3 साल से जिम कर रहा है। मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ भाई बहुत मेहनत करता है, सुबह से आ जाता है टाइम पर, और जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत होती है मेरे को सपोर्ट भी देता है। तो भाई बहुत अच्छा है और काफ़ी काफ़ी अच्छा नेचर है भाई का, भाई अच्छी बातें भी अच्छी कर लेता है, जेली वेली वाली, तो वो काफ़ी जमती हैं बातें बिल्कुल। मैं आप लोगों को बताऊँगा वो जेली वेली वाली भी, और लेकिन अभी उसका सही समय नहीं है। सही समय तब आएगा जब आप मेरे सब्सक्राइबर 1 लाख करा दोगे, वो मुझे पता है हो ही जाएंगे आज नहीं तो कल, क्योंकि यार शुरुआत ज़ीरो से ही होती है, फिर से ज़ीरो से शुरुआत करी है, 1000 तक पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी 1 लाख भी पहुंच जाएंगे। ये देख सकते हो 30 किलो उठा के तुम्हारे भाई ने फेंक दिया रैप्स लगा लुगू के। अब अपन उठा रहे हैं 35 किलो, जिसमें अपन को लगेगी भैया की ज़रूरत। क्यों लगेगी? क्योंकि भाई 35 किलो, भाई 30 किलो पे मेरा एंड था, जिसमें मेरे आए 11-12 रैप्स आए थे हाँ। तो अब मैंने कहा कि यार 30 किलो लगा लिए तो अपन 35 भी लगा ही लेंगे। अब भाई 35 उठाला है अपन इसी जोश में, लेकिन यार अपन को पता ही नहीं था यार 35 मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके किसी में 11 रैप्स आए 15 की जगह, तो इसका मतलब यह है कि 2.5 किलो बढ़ाओ, 5 किलो मत बढ़ाओ। अपन ने भैया 5 किलो बढ़ा लिया, और ऊपर से जो ये जो डंबल था ये थोड़ा सा इम्बैलेंस भी लग रहा था मेरे को जब मैं उठा रहा था, क्योंकि भाई मैं पहली बार ही 35 किलो उठा रहा था। अब मैंने उठा तो लिया, ये देख सकते हो आप, तुरंत ही उठा लिया, बिना लिफ्ट भी नहीं करवाया मैंने भैया से। पर मैंने देखा कि यार पहली रैप में मेरे तो फुस हो गया यार, तो इसमें इस वेट में मैं फेल हो गया था भाई 35 किलो में। क्यों झूठ बोलूं भाई, 35 किलो अपने बस की नहीं हो पाई। तो अपन ने फिर भी भाई अब उठा लिए थे, तो कहा कि यार एनर्जी जितनी लग रही है उतनी तो लगा ही लो, 30 किलो बराबर, 30 किलो बराबर की अपन ने एनर्जी लगाई। और फिर अपन आ गए भैया अपनी औकात पे, और अपन ने उठाया 32, 32.5।
भैया के कहने पे, और उन्होंने मतलब मुझे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि यार जब अपना फेल हो जाता है ना कोई भी, मतलब अपन उठाने में कुछ चीज़ फेल हो जाते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्योंकि अपन अब वज़न नीचे कर रहे हैं ना यार, वज़न कम कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो मुझे लग रहा था यार क्या पता 32.5 भी उठेगा कि नहीं उठेगा, बट फिर मैंने पुश करा या बूम, और देखा तो मैंने उठा लिया। फिर मैंने बोला भैया आप छोड़ दो, आप मैं लगा लूँगा। फिर मैंने लगाया, ये देखो आप, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, आप सपोर्ट लगेगा, ये 7, 8, 9, बहुत शानदार। आप देख सकते हो कि उनके सपोर्ट से मैंने 2 या 3 रैप लगाए, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई। यहाँ पे अगर आपको सपोर्ट देने के लिए एक आपका बड़ा भाई है जिम में, तो भाई आप, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप कर सकते हो। और मैं तो फिर भी भाई 35, मतलब 32.5 तक ही गया हूँ, भैया तो स्टार्ट ही 32.5 से करते हैं। तो यही है भाई, ये एक्सपीरियंस का फ़र्क होता है, सामने वाले को एक्सपीरियंस आता है, समझ रहे हो, स्किल्स से काम नहीं चलता, एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ मैं आपको भी समझा रहा था। अब देखो मैं 20 किलो लगाता था तीसरे रैप में, आज मैं स्टार्ट करूँगा 20 किलो से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि अपन लोग जो है ना, अब यहाँ पे चेंज कर दिया है अपन ने पूरी तरीके से वर्कआउट, तो अब अपन 20 किलो से देखते हैं कितनी रैप्स आती हैं। वैसे तो 10 से ऊपर ही आनी चाहिए यार, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस बोल रहा था, क्योंकि 32.5 अपन ने उठा ही लिया था, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 रैप आ गए। ये मैंने लिफ्ट करवाया, फिर यहाँ पे लिफ्ट करवा के ये 25 किलो उठाया, 1 या इशू बॉय, 2 या इशू बॉय, 3 यो, 4 ये, 5 ये, 6, 7, 8, बस भाई पूरा मुंह लाल हो गया, देख सकते हो आप। तो भाई ऐसा होता है यार जिम में, होता है भाई, होता है। अब फिर अपन ने, फिर से अपन ने वेट ना बढ़ा दिया, अपन ने कहा भाई 25 से ही लगाओ, जब तक के 12 क्रॉस नहीं होंगे तब तक अपन 25 से ही लगाएंगे। तो अपन ने फिर से 25 ही उठाया, 25 उठा के अपन ने 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि यार अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि आपको करता दिख रहा हूँ मैं। अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, और जो कि अच्छा भी है। तो फिर अब मैं आ गया भाई, देखो अपना ये वाले तो हो ही गए थे, इसके मैंने 4 सेट लगाए थे, 25 के बाद मैंने 2.5 और बढ़ाया था, लेकिन अब मैं उसका वीडियो कैप्चर नहीं कर पाया किन कुछ वजहों के कारण, पर ठीक है यार चलता है। एक वीडियो, एक रैप नहीं देखी, वो एक एक्सरसाइज की रेपिटेशन नहीं देखो तो क्या हो जाएगा। फिर अपन आ गए डिक्लाइन पे। डिक्लाइन प्रेस में सबसे अच्छी चीज़ ये हो जाती है मेरे साथ कि मुझे इसको, इसका वेट उठाने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इस वेट को उठाने के पहले मैं ट्राइसेप डिप्स लगा के आता हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरी जो पूरी मसल है ना नीचे, ये जो लोअर मसल होती है अपनी चेस्ट की, ये ऑलरेडी चर्न हो जाती है, और उसके बाद मैं फिर उसे और चर्न करता हूँ और टेंशन देता हूँ इसके थ्रू, तो वो काफ़ी अच्छा फील करता है, और मेरा पूरी फिर दिन भर बॉडी दुखती है, जैसे कि अभी दुख रही है। अभी अपन फिर से, मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी तो खैर मैं लाइक उठा के जाऊँगा उस तरफ पूरा जो लाइक ट्राइसेप डिप्स के लिए, अच्छा ट्राइसेप डिप्स मैं इसके बाद करूँगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमने रॉड चेंज करी। रॉड चेंज क्यों करी यार? वो रॉड में थोड़ी सी तिगड़ी हो रही थी रॉड, तो रॉड चेंज करनी पड़ गई। फिर हमने रॉड चेंज करी, 15 के बाद 5-5 किलो और लगाए, तो ये 20 किलो हो गया। मैंने इसमें 15 किलो से स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे पता था मेरी लिमिट्स कितनी है, इसलिए 15 से स्टार्ट किया, 20 किलो लगाया। अब 20 किलो लगाने के बाद आप देख ही सकते हो क्या सिचुएशन है। भैया इसलिए खड़े हुए हैं कि क्या पता भाई लोड ज़्यादा नहीं आ जाए, फर्स्ट टाइम उठा रहा है। तो फिर उन्होंने हल्का सा मेरे को दिया पुल, मतलब यहाँ पे हाथ लगाया, और देखो भाई कोई खड़ा रहता है ना साइड में, भले ही वो हाथ, मतलब वो भले ही सपोर्ट ना करे, बट आप अपने आप टेंशन फ्री हो जाते हो ना, तो आप इजीली रैप्स ज़्यादा लगा पाते हो। अब आप ये देखो, फिर मैंने वहाँ से उठा, फिर मैं आ गया सेकेंड रेपिटेशन ट्राइसेप्स की, ट्राइसेप डिप्स के लिए, और आप देखो
ट्राइसेप डिप्स लगाना बहुत ज़रूरी है भाई। इससे आपका जो लोअर मसल है वो एक अच्छे शेप में आता है और आपकी जो बॉडी की लाइक स्ट्रेंथ है अपनी बॉडी वेट उठाने की वो भी बढ़ाता है। तो ये दिखा रहा था आपको करके कि आप भी लोग भी करा करो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ख़ास करके ये अगर चीज़ें लड़कियां सीख जाती हैं तो भाई उनकी बॉडी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता भाई। लड़कियां क्योंकि बहुत कम लड़कियां जो ये ट्राइसेप डिप्स वगैरह या पुलअप्स मार पाती हैं, बहुत कम, रेयर। तो ये चीज़ें होना चाहिए। फिर अपन ने भाई अपना हो गया चेस्ट का तीनों एक्सरसाइज ख़त्म, अपन ने चेस्ट की तीनों मसल ट्रेन कर ली थी। तो अब अपन आ गए यहाँ पे फ्लाई पे, चेस्ट फ्लाई। तो अब अपन चेस्ट फ्लाई यहाँ पे इस मशीन के थ्रू इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें मशीन, हमारे जिम में लगभग 3 मशीनें हैं चेस्ट फ्लाई लगाने के लिए, उसके अलावा चौथा अपना बेंच है। तो बेंच में ना जाते हुए अपन लोग जो है यहीं पे बैठ करके इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि मैंने बहुत दिन से वाली मशीन भी यूज़ नहीं करी थी और इस पर व्यू भी अच्छा लग रहा था। इस पर बैठ करके अपन जो एक्सरसाइज करते हैं वो भी एक डिफरेंट लेवल की होती है, समझ रहे हो? तो अच्छा व्यू लगता है और अपने आप को जब देख पाता है ना इंसान वीडियोज़ के थ्रू तो भी उसको मज़ा भी आता है यार। अब आप ये देखो बाइसेप भी अच्छे दिख रहे हैं, वीडियो को बोल रहा हूँ हो रहा है बिल्कुल हो रहा है, बढ़िया लग रहा है। तो ये चीज़ है। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेट बढ़ाया क्योंकि भैया तो जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा वेट लगाते हैं, अपन जो है वो कम वेट लगाते हैं। आप देख ही सकते हो बाकी मेरी शक्ल भी आपको दिख ही रहा होगा कि आज काफ़ी पसीना है और उस पसीने का कारण यही है कि आज अपन फुल स्ट्रेंथ से लगे पड़े हैं, जितनी स्ट्रेंथ है सब यूज़ करने में लगे पड़े हैं। और आप ये देखो 2, 3, 4, 5 यहाँ पे ये जो चेस्ट की मसल है ना इसको मैं पूरा स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूँ और हैवी वेट उठा रहा हूँ और कम रेप्स पे ही वर्क कर रहा हूँ क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि जो अपन हैवी वेट उठा रहे हैं ना उसकी 5 से 6 रेप आएंगी, 6 से 8 आएंगी, 8 से 12 हो जाएंगी वही। तो वहाँ पे फिर अपना जो साइज़ है वो भी बढ़ेगा, समझ रहे हो? तो अब साइज़ बढ़ाने पर ध्यान है। तो साइज़ बढ़ाना मेरा ये फोकस नहीं था कि मुझे साइज़ ही बढ़ाना है, मुझे साइज़ बढ़ाने के साथ साथ अपना जो शेप है मतलब जो आपकी पूरी जो मेरी मसल की डेफिनेशंस हैं उसको और ज़्यादा ब्राइट करना है। तो ये एक बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक टाइम है क्योंकि इस टाइम में ना तो ठंडी है ज़्यादा ना गर्मी है, तो इस टाइम पे मेरे को ठंड वाला फील मिलता है सुबह सुबह जिम करने पे और दिन भर जो है गर्मी वाला फील रहता है। तो मेरी जो मसल डेफिनेशंस है वो भी बढ़ेंगी और मैं जो प्रोटीन इनटेक कर रहा हूँ वो भी अच्छा हो पा रहा है, इसी कारण आप लोग देख ही सकते हो काफ़ी। और यहाँ पे फिर मेरे वीडियो के बीच में आ जाते हैं क्योंकि वो लोग भूल जाते हैं कि यार बीच में कैमरा वैमरा भी लगा हुआ है। ठीक है, इट्स ओके, क्या कर सकते हैं, अब जो है वो है सो है, ठीक है। तो फिर अपन, अब उन्होंने मुझे एक बताया कि जब ये वाली एक्सरसाइज के थ्रू आपके हाथ भर जाए ना, जब लगे कि अब नहीं हो रहा है तो ये ग्रिप चेंज करो और हाथ को थोड़ा टिल्ट करो नेगेटिव टाइप साइन में और सामने की तरफ पुश करो। और फिर हम लोग आ गए यहाँ पे, अब अपन ने ये वाला तो लगा ही लिया था चेस्ट फ्लाई अपर वाली मसल के लिए, अब अपन आ गए लोअर मसल के लिए। लोअर मसल के लिए क्यों? क्योंकि अपन को जो चेस्ट का शेप है वो अपने मुताबिक लेकर आना है, एकदम जो एल शेप होता है चेस्ट का, एल शेप होता है उस टाइप का डिज़ाइन, लाइक एकदम शार्पन होता हुआ वो लेकर आना है चेस्ट का डिज़ाइन। तो उसके लिए अपन को ये एक्सरसाइज करनी रहती है, तो अपन उस पर फोकस कर रहे हैं। अब अपन इस पर फोकस करते हुए यहाँ पर मैंने वेट्स इक्वल लगाए और हमने ये चेस्ट फ्लाई लिया और अब आप देख सकते हो ये पहले मैं गलत लगा रहा था, फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करेक्ट करो, तो फिर मैं करेक्ट करता हूँ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेक्ट होगा क्योंकि गलतियाँ होती हैं यार, गलतियाँ करके ही अपन सीखते हैं और गलतियाँ नहीं होंगी तो अपन सीख भी नहीं पाएंगे। तो ऐसा मत सोचा करो यदि आप कोई काम करते हो वो गलत हो जाता है, गलती हो जाती है, भाई अपने आप को माफ़ करो और फिर से ट्राई करो क्योंकि भाई गलती के बाद ही इंसान सीखता है। अब जैसे आप ये देख रहे हो यहाँ पे भी ये मतलब लगा चुके हैं, इन सब का टर्न हो गया, उसके बाद मेरी टर्न आई है। भाई बड़ी देर में आ रही थी क्योंकि 4 लोग कर रहे थे इसी एक मशीन पे, तो हम लोग 4 लोग एक साथ वर्कआउट करते हैं। और मैं यार जल्दी से जल्दी वो माइक मंगाना चाहता हूँ, वो माइक आएगा तो यकीनन आप मेरी आवाज़ सुन पाओगे जिम के बीच में और मेरे दोस्तों की आवाज़ भी सुन पाओगे। काफ़ी हंसी मजाक चलता है यार, मैं आप लोगों तक काश वो पहुंचा पाऊँ जल्दी से जल्दी, मैं पहुंचाऊंगा जल्दी से जल्दी, टेंशन मत लो। बट ये भी मेरा ये भी कम नहीं है, यहाँ पे भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को दे रहा हूं। तो आप वो भी चीज़ें देखो, चीज़ों को समझो क्योंकि लाइफ एक मिली है,
फिटनेस के नाम करो इस लाइफ को, और फिटनेस के साथ साथ अपने घर वालों के भी नाम करो, क्योंकि भाई जितना दिमाग शांत रहेगा उतना जल्दी चीज़ों को आप कमाओगे। और मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ जो आप लोगों को पता भी नहीं होगी। आप देखते हो ना लोग बाग महंगी महंगी गाड़ियों से घूम रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कितना पैसा कमा रहे हैं। आप ऐसा सोचते होगे, पैसा सब कमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हर चीज़ लोन पे ख़रीदते हैं। हर चीज़ लोन 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 के थ्रू उनके पूरे हर चीज़ बनी पड़ी हुई है, समझ रहे हो। और आपको ऐसा लगता है यार उसके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, ये है वो है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो जिस तरीके की लाइफस्टाइल चाहता है ना, वो किसी ना किसी तरीके से वो तरीका ढूंढ लेता है, चाहे वो लोन लेके बनाए चाहे वो कमा के बनाए। सबका अलग अलग तरीका होता है। अब जैसे मेरा दिमाग है, मेरा दिमाग हर चीज़ को कैश ख़रीदने को करता है, कैश कैश कैश। कोई भी चीज़ गए, कहीं पे भी गए, जैसे जिम में भी गया, जिम की साल भर की मेंबरशिप चाहिए तो कैश ख़त्म, टेम्प्रेरी 2-3 महीने के लिए अपन नहीं करना, समझ रहे हो। पीटी भी लेना है पूरे साल भर की तो एक बार में दिया कैश और बात ख़त्म, बीच बीच में के चोचले ख़त्म, समझ रहे हो आप। तो इन चीज़ों को समझो, सबका माइंड अलग अलग होता है, सबका दिमाग अलग अलग होता है। और अगर सुकून चाहिए तो अपने मन की सुनो, लोग बाग बहुत सारी टिप्पणी सलाह देंगे। अगर आपके कुछ काम की टिप्पणी सलाह है तो लो, नहीं है फालतू दिमाग मत खपा भाई, दिमाग में थोड़ा सा भी टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस लाइफ में अपन आए हैं और अगर टेंशन को लेके बैठे रहेंगे अपना, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, भाई नहीं हो रहा सोच के बैठे रहोगे तो फिर तो नहीं होने वाला। और अगर आप मन में सोच लियो कि यार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो ही जाएगा यार, सबका हो जाता, मेरा भी हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ें जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अब अपन यहाँ पे चेस्ट का वर्कआउट हो चुका है पूरी तरीके से पूर्ण हमारा, अब हम आ चुके हैं ट्राइसेप के वर्कआउट के लिए। तो अब आपको मैं ट्राइसेप के पूरे एक्सरसाइजेस तो नहीं बताऊँगा, जो नॉर्मली 2 से 3 करूँगा वो मैं आपको दिखाऊँगा, उसके भी पूरे सेट्स नहीं बता पाऊँगा क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा था, मुझे फटाफट करके जाना भी था, क्योंकि 2-4 मेरे काम हैं और उन कामों के चक्कर में थोड़ा सा मैं उलझा हुआ था। तो उन कामों को मैं अब कर लूँगा, आप लोग बेफिक्र रहो, और उन कामों का भी मैं बताऊँगा आपको जल्दी से जल्दी। अगर वो काम हो गया तो मैं बहुत जल्दी अपडेट दूँगा यहाँ पे यूट्यूब पर, ताकि आप सबको भी देख करके अच्छा लगे और मेरा काम भी आपको पसंद आए, समझ रहे हो। तो अभी तो आप खैर फिलहाल मेरी एक्सरसाइज देखो कि एक्सरसाइज कैसे क्या करता हूँ। हाँ, तो ये ट्राइसेप की एक्सरसाइज में अपन को हल्का सा जो हाथ है ये आगे की तरफ लीन रखना है, ताकि कि अपन जब इसको सीधा करें तो पूरी मसल पे टेंशन आए, अपनी जो ट्राइसेप की मसल है उस पर पूरी तरीके से टेंशन आए। जितने रैप्स आ जाएँ हैवी वेट से उतना लगा लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे फिर से और हैवी पे जाऊँगा, पहले 10 से लगाया था अपन ने, अब अपन 12.5 से आ गए हैं, नहीं सॉरी ये है 20 किलो जो कि अपन ओवरहेड लगा रहे हैं, मुझे याद है क्योंकि मैंने उसको 12.5 से भी लगाया था, इसलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया। पर यहाँ पे फिर मैंने आपको सिंगल हैंड दिखा दी थी एक बार कि सिंगल हैंड पे आप कैसे कर सकते हो, फिर डबल हैंड पे दिखा दिया आपको 20 किलो से कि आप 20 किलो से किस तरीके से कर सकते हो। और मैं हैवी वेट इसलिए लगा रहा हूँ, जैसे आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें लाइक हैवी वेट्स में अपन को ये प्रॉफिट है कि अपनी धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और ये जो मैंने आपको बताया था ओवरहेड जो अपन लगाते हैं ट्राइसेप दोनों हाथों से, इसमें पूरी मसल स्ट्रेच होती है। भाई मैं थक गया हूँ, अब बस थक गया हूँ और अब सोच रहा हूँ कि एप्स करे जाएँ, लेकिन यार थक चुका हूँ, क्या करूँ यार, मन तो नहीं है पर क्या करें यार, ये कुछ चीज़ अगर चाहिए तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है यार, कुछ होना होना गया था पहाड़ में। अब देखो बाकी है, खुली हवा, खुला वातावरण, कितना अच्छा लगता है यार। और सबसे अच्छी बात ये लगती है यार, इतना ग्रीनरी है, ये खुली हवा है और बस मैं हूँ मेरे साथ में, ये भी एक वाइब है, बहुत कम लोग इसको समझ पाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। बाकी आप देखिए मेरे ऐप्स का वर्कआउट, आपको एक्सरसाइज आती है तो वो आप मुझे सजेस्ट कर देना।
अब तो बस ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सरसाइज क्यों कर रहा हूँ भाई। बहुत दिक्कत होती है यार, खासकर ये एब्स में ऐसा लगता है पता नहीं क्यों ही कर रहा है, पर फिर लगता है कि यार इससे ही बॉडी की सुंदरता और बढ़ेगी, निखरेगी, करना पड़ता है यार। पर इसमें अपन ज़्यादा देर का रेस्ट नहीं ले सकते, मतलब 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड इससे ज़्यादा रेस्ट नहीं लेते। आई होप सो इतनी पकड़ पकड़ में हो गए होंगे मेरे 20-30 सेकंड। तो अब मैं वापस से लग जाता हूँ, अब अपन वापस से पहले ऊपर। काफ़ी वाइब तो अच्छी लग रही है, पर अब पेट बहुत दुख रहा है, पर ठीक है, इट्स ओके, सब चलता है, सब करना पड़ता है, जो आप नहीं चाहते हो वो भी करना पड़ता है। अब अपन थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर जाएंगे, एक लेवल ऊपर में बता दूँ क्या होगा, अपन पैरों को रखेंगे ऐसे इस डिग्री पे, एंड उसके बाद अपन को पैर अपने टोस तक पहुँचना है, कुछ इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. याद रखना एब्स की एक्सरसाइज बिना 20 रेप के रुकनी नहीं चाहिए। तो 20 रेप तो मारो कम से कम, 20 रेप नहीं पड़ेंगे तो भाई बहुत प्रॉब्लम होगी, जो आप चाहते हो डिज़ायर्ड बॉडी वो नहीं बनेगी, जैसे कि मेरी नहीं बन पा रही। तो अब मैंने अपनी लिमिट्स को पुश करना स्टार्ट कर दिया है और उसका सीधा सीधा अंतर मुझे मेरी बॉडी पे दिखना लग गया है। ये मेरे लोअर को पता नहीं क्या हो गया, फट गया शायद, काफ़ी बढ़िया लगता है यार ऐप्स ऐप्स करो तो काफ़ी बढ़िया लगता है। तो ये तो हो गया, अब मैं आपको एक साइज और बताता हूँ, अपन लोअर ऐप्स लगाने रह गए हैं अपने, तो अब लोअर ऐप्स अपन लगाएंगे। यहाँ पे एक मशीन है, इस पर मतलब लटक के ये है, इस पर मैं आपको लोअर एब्स लगा के दिखाता हूँ। अब आप ये देख लो, ये हमारी ग्राउंड में रखी हुई मशीन, इस पर कुछ तरीके से अपन फिक्स हो सकते हैं और ऐसे टिक करके जस्ट अपन लेग्स को ऊपर करना है अपन को, या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15,
आपको बोल रहा हूँ ना, 20 लगाने बहुत ज़रूरी हैं। 20 नहीं आएंगे कोई फ़ायदा नहीं एक्सरसाइज करने में। अगर आप 20 रैप नहीं लगा पाते हो ऐप में तो छोड़ दो एक्सरसाइज करने। बिगिनर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। और इसमें एक और होती है, वो बता देता हूँ आप लोगों को। मैं अपनी बात कह के मैं ही फंस गया। भाई 20 मारी है, हल्के पतले में नहीं ले सकते आप लोग मुझे। और इस पर अपन ट्राइसेप भी मार सकते हैं कुछ इस तरह। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस देख के अच्छा लगता हो। मैं कोशिश यही करता हूँ कि यार थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो जाऊँ और थोड़ा सा आप लोगों को और एंटरटेनमेंट दे पाऊँ। काफ़ी मतलब मेहनत लगती है जिम विम करने में भाई। जो लोग भी करते हैं ना भाई, मेरे को उनके दिल से सलूट है। जिन लोगों की बॉडी बन जाती है भाई, तुम लोग मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम लोगों के ऊपर वाले का हाथ है भाई। मैं दो ढाई साल से लगा हुआ हूँ, प्रोटीन बराबर खाता हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, नहीं बनती भाई। बहुत सारे डायरेक्शन भी ले लिए, बहुत सारा गाइडेंस भी ले लिया, किसी किसी की नहीं बनती भाई। टाइम लगता है क्योंकि मेरी जो बॉडी है पूरी लीन मसल है। आप देखो यार पूरी लीन, इवन यहाँ पे आप देखोगे ये पूरी वेन जो है मेरी पॉप अप होके आती है। तो भाई हो सकता है इंतज़ार करा रही है बॉडी, तो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए करा रही है। और आप देखो बन रही है, पर नहीं बन रही है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार जैसा गोल लेके चला था इस साल के लिए, वहाँ तक तो नहीं पहुँचा लेकिन उसके आसपास तक तो पहुँच गया हूँ। जो मैंने सोचा था कि मेरी वेन ही स्किन होगी, पूरी एक एक वेन दिखेगी, तो दिखने लग गई है। जस्ट थोड़ा बहुत ही और बचा है हाथ, इसमें वेन दिखना एकदम से पॉप आउट हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा लगता है यार नेचुरल करने में। टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है भाई। जिन लोगों के पास टाइम कम हो भाई, वो लोग नेचुरल के बारे में सोचना मत। बट मैं यही कहूँगा कि भाई फिटनेस के लिए जाओ, अपनी जिम जाना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं बोलूँगा जिम जाना ज़रूरी है, एक्सरसाइज आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि कि आपकी बॉडी में थोड़ी बैलेंस हो, कि हर चीज़ अपने हिसाब से नहीं चलती ना जीवन में। कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से चलना पड़ता है और उनके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। बाकी भाई पानी बहुत सारा पियो, पानी पीने से कुछ दिक्कत नहीं होगी। हाँ ज़्यादा पानी भी मत पी लेना भाई, कि नहीं तो 6-7 लीटर आप लोग पीने लग गए, इतना भी नहीं पीना है। मेजरली बस कोशिश करो कि यार कैसे भी करके आप लोग थोड़ा फिटनेस की तरफ बढ़ो, क्योंकि मैंने बहुत सारी रील्स भी देखी है और ऐसा रियल में है, मैं जिम में देख रहा हूँ कि लोग बाग पैसा कमाने की दौड़ में लग जाते हैं 20-30 की उम्र में या 20-35-40 की उम्र तक, और फिर 40 के बाद उन्हें ध्यान आता है कि यार अपने तो तोन निकल रही है, अपन तो मोटे हो रहे हैं, अपन तो बीमारी लग रही है, अपन फिट नहीं है। उसके बाद फिर जो वो पैसा कमाते हैं वही पैसे को यहाँ पे जिम वगैरह इन सब जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें कुछ लोग आते हैं जिम की फ़ीस देते हैं और निकल जाते हैं। तो आप खुद सोच के देखो, ये चीज़ मत दोहराओ, फिटनेस को भी साथ लेके चलो। 24 घंटों में से 1 घंटा अगर आप अपनी फिटनेस को दे दोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपके दिन में कोई फ़र्क पड़ेगा। और कोशिश करो भाई 7 घंटे सो, 7 घंटे की नींद रिक्वायरमेंट होती है, बस 7 घंटे सो, 7-8 घंटे सो अगर आपका जॉब स्केड्यूल है। अगर आप बिजनेस मैन हो, आपका पूरा बिजनेस संभालना पड़ता है भाई, दिन में थोड़ा सा टाइम चुरा लो अपने लिए भाई। अपने लिए टाइम चुराना कोई बुरी बात नहीं होती, और
एक टिप्पणी और दे ही दूँ जो मेरे मुँह से सब लोग सुनना चाहते हैं हर बार, कि कुछ प्यार मोहब्बत के बारे में बोल दूँ। तो बस मेरा यही कहना है कि यार कुछ चीज़ें हैं जो अधूरी ही अच्छी रहती हैं, क्योंकि उन अधूरी चीज़ों के कारण अपन उन अधूरी चीज़ों का जो गम है, जो नेगेटिविटी है, जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी में, और उस एनर्जी को कहीं पे भी अपने फ्यूल की तरह अपन यूज़ कर सकते हैं। और जब भी मुझे लगता है ना कि यार मैं रैप्स कम मार रहा हूँ, वेट कम उठा रहा हूँ, या कोई काम है जिसमें मैं उलझन में फंस गया हूँ, वहाँ पे मैं बस यही सोचता हूँ कि यार इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे फिर से उस फेस में नहीं जाना, मुझे उभर के निकलना है। तो उसके लिए मुझे काम करना बहुत ज़रूरी है। मुझे आराम आराम वराम कुछ नहीं होता भाई, आराम तो करना ही छोड़ दो, जितना हो सके काम करो। और जब तक काम करोगे भाई, ये मैं बता रहा हूँ, जो वक्त आप दे रहे हो ना, कि एक ना एक दिन लौट कर आएगा और आपके लिए लाइक जो आप जैसा चीज़ें चाहते हो ना वैसी चीज़ें होंगी। पर उसके लिए टाइम जो है ना बहुत पेशेंस मांगता है आपसे, बहुत चीज़ों के बारे में मांगता है। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग करते हो ये, मत करा करो यार, किसी से भी जब आपका साथ छूट जाए ना उसको परेशान मत करना यार, बस कुछ भी कर लेना उसको परेशान मत करना यार। हो सकता है आपके साथ हो जब वो बहुत परेशान हुआ हो, इस चक्कर में आपको आपके साथ अभी नहीं हो, पर कोशिश करना यार उसे परेशान मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है, इससे सिर्फ और सिर्फ आप अपनी रेपुटेशन गिराते हो और कुछ भी नहीं। बात समझ में आई हो तो मेरे यार यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और जो यूट्यूब के नए लोग हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर जाके मुझे फॉलो कर लेना भाई, जल्दी से मेरे 100K करा दो यार। दीदी क्या नाम है दीदी का? दीदी का दूबी वाला दोस्त। तेरी चप्पल ढूंढ ले, दे दिख 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 दिख, तेरा बैट लेके जा रही हो। ठीक है, मुंह का खत्म हो गया तुम्हारा बड़ा? हाँ। क्या कर रही है, चंपी कर रही है? मेरे बाल खराब कर रही है तुम्हें। गौरव तुमने पिग देखा? पिग कौन सी पिग? PIG पिग। नहीं नहीं देखा? बाय बाय कर दो दीदी को। बाय कुत्ती वाला दोस्त। अरे बाय बोलने को बोला बेटा। हाय कर दो दोस्त। हाय।